गाजीपुर की सबसे बड़ी खबर, फिर 7 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। गाजीपुर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के मिलने का सिलसिला थमने का नाम लेता नजर नहीं आ रहा है। रविवार को गाजीपुर जिले में एक बार फिर कोरोना वायरस से संक्रमित नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। रविवार को गाजीपुर में कोरोना संक्रमण से 7 नए मामले सामने आए हैं। आइए आपको इनके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। रविवार को मिले 7 नए मरीजों की वजह से गाजीपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या 28 पहुंच गई है। एक राहत की बात यह है कि ये सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज रेलवे जोनल ट्रेनिंग सेंटर व संबंधित तहसील पर क्वारंटाइन है। गाजीपुर स्वास्थ्य विभाग की टीम अब इन संक्रमितों को वाराणसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय अस्पताल ले जाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि इनमें मोहम्मदाबाद के यूसुफपुर, मनिहारी के चकबाकस, रेवतीपुर ब्लॉक के बेमुआ, डिलिया के मरीज हैं। इसके अलावा दुल्लापुर, मनिहारी ब्लॉक के यूसुफपुर व सदर ब्लॉक के बभनौली गांव के प्रवासी भी इनमें शामिल हैं। इन प्रवासियों का स्वैब बीते 13 मई को जांच के लिए वाराणसी भेजा गया। आज इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिला अस्पताल के कोरोना वार्ड के नोडल डॉक्टर स्वतंत्र सिंह ने इन 7 केसों की पुष्टि करते हुए कहा है कि प्रोटोकॉल के तहत कदम उठाए जा रहे हैं। महानगरों से प्रवासी लोग गाजीपुर जनपद में आ रहे हैं, ऐसे में सतर्कता बरतनी और भी जरूरी हो गई है। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।